आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके बीच एक नया शो सदाए इस्लाम लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ होंगे मुफ्ती अबूजर कासमी साहब और दीगर उलेमा इकराम, जो आपको देंगे इस्लाम से जुड़े सारे सवालों के जवाब। देखना ना भूलिए सदाए इस्लाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं शाहिद कामरान। आज देखें हमारा एक नया एपिसोड सदाए इस्लाम, एपिसोड नंबर 1। आज हमारे मेहमान हैं जमीयतुल उलमा हिंद मधुबनी के जिला सदर मुफ्ती अबूजर कासमी साहब। मुफ्ती साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक बात हमारे नाज़रीन को जानना जरूरी है, वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम की हकीकत क्या है और इसके बानी कौन है, इस पर आप तफ़सीली रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लाम असल में दुनिया के जो खालिक हैं, मालिक हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहें, दूसरी जुबान में जिन्हें आप गॉड कहें, तो उनका जिंदगी गुजारने का बनाया हुआ तरीका है, ये तमाम इंसानों के लिए है और उसके बानी हकीकत में वही खालिक, बंदों के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं, जिन्होंने कायनात बनाया, इंसानों की तख्लीक फरमाई और फिर इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका बना करके उन्हें बंदों के हवाला किया और उस रास्ता को और तरीक़ा को बताने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे पैगंबरों को भेजा और उन हजरात ने, सबों ने आकर के इस्लाम की तालीम लोगों तक पहुंचाई और इस्लाम की हकीकत को बताया। आखिरी पैगंबर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने इस्लाम की हकीकत वाज़ह फरमाई। आपने इशारा फरमाया कि जिस खालिक और मालिक के हम हैं, जिनके हम बंदे हैं, तो उन्हीं की दी हुई हमारी जान है और जो कुछ भी हमारे पास माल है वो उन्हीं का दिया हुआ है। लिहाजा इस्लाम की हकीकत ये है कि हम जान को भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई समझें और जो कुछ भी माल है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ समझें, और इसलिए हक रखा है जान में भी और माल में भी अल्लाह ताला का यानी खुदा का हक है। इसलिए इस्लाम की हकीकत को समझाते हुए आपने इशारा फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहली चीज़ तो है अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना और फिर आखरत पर ईमान लाना कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां इंसानों की अच्छाई का क्या बदला दिया जाएगा और इंसानों की बुराई की वहां सजा तय की जाएगी। लिहाजा अल्लाह ताला को मानना ये सबसे बुनियादी चीज है, इस्लाम की बुनियाद इसी पर है। अगर हम मान लेते हैं अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ने जो आखिरत बनाई है, जजा और सजा की जगह बनाई है, उसको भी मानना ही पड़ेगा और जिनके जरिए ये हम तक पैगाम पहुंचा है यानी रसूलों के जरिए, उन रसूलों पे भी ईमान लाना पड़ेगा, ये इस्लाम की हकीकत है। लिहाजा जब जान दी हुई अल्लाह की है, माल दिया हुआ अल्लाह का है, शायर कहता है जान दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लिहाजा जितना हक अल्लाह ताला ने दिया है यानी गॉड ने दिया है, खुदा ने दिया है, दुनिया का निज़ाम उसी वक्त बाकी रहेगा और अमन रहेगा, सलामती रहेगी कि सबसे पहले जो हमारे अल्लाह का मालिक का और पैदा करने वाले का हक है वो पूरा किया जाए। और उसकी शक्ल बताई गई नमाज, कि नमाज जो है ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में है, जिससे ये साबित होता है कि दी हुई अल्लाह ताला की जान है, लिहाजा अपने जिस्म को जान को लेकर अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना, बंदगी करना, बंदगी का तरीका बताया गया। और फिर अल्लाह ने माल दिया है, तो माल का हक अदा कैसे होगा कि दी हुई
दिया हुआ माल अल्लाह ताला का है, लिहाजा अल्लाह ने उसमें गरीबों का, मोहताजों का, परेशान हालों का, मुसाफिरों का जो हक रखा है, अगर अल्लाह पे हमारा ईमान है, यकीन है और हम मानते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ यानी पैदा करने वाले का दिया हुआ माल है, तो हम जो हिस्सा मुकर्रर है वो हिस्सा हम ऐसे गरीब परेशान हाल मजबूरों पे खर्च करें जिसको हम ज़कात कहते हैं। ये इस्लाम की तीसरी बुनियाद है। सबसे पहली बुनियाद मैंने बताया कि तौहीद है, अल्लाह को मानना, योम आखरत पे ईमान लाए, आखरत पे ईमान लाना और अल्लाह के रसूलों को मानना, ये पहली बुनियाद। दूसरी बुनियाद नमाज और तीसरी बुनियाद मैंने ज़कात बताई। और रोज़ा जो है ये भी इस्लाम की एक बुनियाद है, बुनियादी चीज़ है कि अगर आपने माना है कि ये वाकई अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ने अगर हुक्म कर दिया कि इन नेमतों की कदर और कीमत जाननी है तो तुमको साल में एक महीना तुम्हें गुरेज करना है और इंतजार करना है कि हमारी नेमतें तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब हमारा हुक्म होगा। लिहाजा इंतजार करना सुबह से शाम तक और फिर अल्लाह की नेमतों को पाना, ये अल्लाह के ऊपर यकीन को बढ़ाता है, पैदा करने वाले के ऊपर यकीन को बढ़ाता है। लिहाजा इसका भी मानना जरूरी है और इस्लाम की बुनियादी चीजों में ये भी चौथा अमल रोजा की शक्ल में। और पांचवा अमल जो मजमुआ है जिसमें जान भी लगती है, वक्त भी लगता है और माल भी लगता है, इन तमाम का मजमुआ अगर इस्तेताअत हो तो ये भी जरूरी है कि आदमी एक जिंदगी में एक बार ऐसा अमल करे जिसमें वो जान भी दे, अपने वक्त को भी लगाए, सारी कुर्बानियां पेश करे, माल की भी कुर्बानी दे और अल्लाह के घर की ज़ियारत करे जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले रखा था। तो ये हज है। इन पांच चीजों की बुनियाद पर इस्लाम का बेस तैयार होता है, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी इस्लाम के बंदों के आमाल इस्लाम को मुजीन और आरास्ता करता है। ये सारे लोग जानते हैं कि एक ना एक जात है जो हमको बनाने वाली है, पैदा करने वाली है। लिहाजा उन्होंने जो सिस्टम बनाया, जो जिंदगी गुजारने का तरीका बनाया, उसका मानना जरूरी है और उसको जब मानेंगे तभी गोया हम इस्लाम के मानने वाले। ये हम यहाँ बात और करना चाहेंगे, इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया है और किन बातों को नहीं करने की ताकत? माशाल्लाह, बहुत उम्दा सवाल है। इस्लाम में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया है तो तालीम पर जोर दिया गया। इस्लाम का पहला पैगाम यही है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि जब तक यह तालीम हासिल नहीं होगी इंसानों में अखलाक और फिर किरदार और फिर तक जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं आ सकता। तरीका जो आएगा वो मालूमात के बाद ही आएगा, जो तरीका हमारे रसूलों के जरिए बताया गया। लिहाजा इस्लाम में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया है तो तालीम पे कर दिया गया है और इसको ही लेकर के आदमी तरक्की, इन बंदे तरक्की कर सकते हैं। और जिस बात से सबसे ज्यादा जिस बात बुराई से रोका गया वो है फसाद, वो है फसाद, दुनिया के अमल को बिगाड़ना, बेचैनी पैदा करना। और इसलिए कहा गया हमारी शरीयत में, इस्लाम में कहा गया है कि कत्ल से बढ़के फसाद गुनाह है। फसाद के जरिए बदनामी पैदा होती है और फिर कितनी जानें जाएंगी और कितने लोगों का नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे ज्यादा बचने की ताकत फसाद से है और सबसे ज्यादा करने की ताकत तालीम और इल्म की जानिब जो है रगबत करने की है। ये दो बातें इस्लाम की अगर बुनियादी तौर पे लोगों के जहन में आ जाए, सारे लोगों के जहन में, तो इस्लाम की कशिश और खूबी उनके जहन में आएगी कि इस्लाम ने तो तालीम की जानिब सबसे ज्यादा जोर दिया और इस्लाम ने फसाद से बचने की सबसे ज्यादा ताकीद की है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस्लाम अगर वाकई इस्लाम जो अमन का पैगाम कहा जाता है वो इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि इस्लाम में फसाद की और मुफसिद की गुंजाइश नहीं है। कुरान में कहा गया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वाले को पसंद करता ही नहीं है। कहीं अल्लाह ताला ने कहा फसाद, ये सबसे बड़ा जुल्म है। लिहाजा फसाद से बचने की ताकीद सबसे ज्यादा। मुफ्ती साहब, इबादात में सबसे अहम नमाज को ही क्यों माना गया? क्या नमाज के बगैर मगफिरत नहीं? माशाल्लाह, बहुत खूब। असल देखिए, जब आप मान रहे हैं कि हमारे कोई मालिक है और हमारे कोई पालनहार है, बल्कि हमने ये भी माना है कि हमारी सांस उसी वक्त तक चल रही है
जब तक उसका हुक्म हमारे सामने, और जिस वक्त उसका हुक्म हटता है हमारी सांस रुक जाती है, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़ देती है। जब ये बात मानते हैं तो उनका हक बनता है कि उनकी बारगाह में हमारी हाजिरी हो, और हाजिरी इस तरह हो कि गोया हम उनके सामने। इस्लाम में कहा गया कि ऐसी तुम बंदगी करो, ऐसी नमाज पढ़ो कि गोया तुम देख रहे हो अपने मालिक को और वो जात तुम्हें देख रही हो। अगर इस ख्याल के साथ बंदा की हाजिरी होती है तो यकीन जानिए कि आदमी बुराई और गंदगी को जिंदगी में लाने की जुरत नहीं करेगा कि हमारा मालिक हमारे सामने है। जब दिन और रात में 5 बार उसकी हाजिरी बारगाह इलाही में होगी और उसका यह मिजाज बनेगा कि हम अल्लाह के सामने हैं, अपने मालिक के सामने, उसने हमको बुराइयों से मना किया है, फिर उसका बिल्कुल मिजाज बन जाएगा, हर वक्त उसके जहन में यह बात रहेगी कि हम मालिक के सामने हैं, तो हमेशा वो बुराइयों से बचने की कोशिश करेगा और उसकी जिंदगी सबसे पाकीज़ा और साफ सुथरी होगी। नमाज की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ गई कि नमाज ही से ये मिजाज बनता है कि हमें बुराइयों से पाक रह करके जिंदगी गुजारना है, हमें किसी तरह के जुर्म से पाक रह करके जिंदगी गुजारना है, इसलिए कि हम अपने मालिक और खालिक के सामने हैं और वो हमें देख रहा है। ये नमाज में कैफियत पैदा होती है, और जब 5 बार ये कैफियत पैदा होगी तो ये कैफियत पूरी जिंदगी बाकी रहेगी। इसलिए नमाज की अहमियत तमाम इबादात में सबसे ज्यादा है। कहा गया है कि नमाज जो है वो मोमिनों की मेराज है, यानी अल्लाह को मानने वाले जो ईश्वर को मानते हैं उनके मानने वालों की मेराज है। मेराज का मतलब ये होता है कि उनका जलवा दिखाई देता है और वहाँ करीब में बंदा हाजिर होता है, और जब बंदा को अल्लाह का जलवा दिखाई देगा जो पैदा करने वाले हैं, उन्होंने तो हुक्म दिया है कि अपने को बुराइयों से पाक करो, बेहयाइयों से अपने को बचाओ, तो फिर इंसान वाकई दूसरों के लिए नफा बख्श होगा और वो बुराई से बचकर जिंदगी गुजारने वाला होगा। इसी वजह से नमाज की सबसे ज्यादा इबादत है। मुफ्ती अबुल हसन साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदाए इस्लाम के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है, और मेरे असलाफ बुज़ुर्ग हज़रात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाले सवाब है। मेरे आबा व अजदाद व इलाका के तमाम बुज़ुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाज़रीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.